मोदी सरकार सत्ता में आते ही बैंक में हो रही जालसाजी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त दिखी और बैंक में जालसाजी करने वालों पर कार्रवाई भी की। बावजूद इसके बैंक फ्रॉड केस कम नहीं हो रहे। रिजर्व बैंक ने एक सालाना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में बैंकों में जालसाजी के मामले 15% बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि रकम के हिसाब से जालसाजी में 73.8% की बढ़ोतरी की गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट क्या कहती है। साल 2018-19 में बैंकिंग सेक्टर में 6,801 जालसाजी के मामले हुए। 71,542.93 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी। 64,509.43 करोड़ रुपए के 3,666 फ्रॉड केस हुए। वहीं साल 2017-18 में 41,167.04 करोड़ रुपए रकम के 5,916 फ्रॉड केस सामने आए। आरबीआई से सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई कि मोदी सरकार में भी जालसाजी के मामलों की पहचान में काफी देर लग रही है। जालसाजी की पहचान करने में केस होने के बाद 22 महीने लग जा रहे हैं। साल 2018-19 में 100 करोड़ या उससे ऊपर की कुल 52,200 करोड़ रुपए की बड़ी जालसाजी वाले मामलों की जो पहचान हुई है उसमें 6 साल लग गए। सबसे ज्यादा जालसाजी कर्जों को लेकर हुई है, उसके बाद कार्ड इंटरनेट से संबंधित जालसाजी और उसके बाद जमा संबंधित जालसाजी हुई है। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।